तो यहाँ पे एम्बुलेंस की उसकी फैसिलिटी भी है, ऐसे ओपन में हम लोग बैठे हैं। तो अभी अंजलि और आशु ने मुझे छोड़ दिया यहाँ पे, मैं रास्ते में हूँ, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी मैं स्कूटी लेके घर जा रहा हूँ और वो लोग गए हैं मुझे डिच करके शॉपिंग करने के लिए। सो फाइनली गाइस, आज सैटरडे मॉर्निंग हो गई है, हमारी प्लान है वो कैंसिल हो गया है, मैंने जो आपको कल के ब्लॉग में बताया था, और आज का जो काम है वो स्टार्ट हो गया है। सबसे पहला जो काम है वो है कि अभी हम फ्री है सैटरडे, कहीं बाहर नहीं जा रहे, तो हम लोग दे रहे कार बाइक हमारी सर्विस में, तो ऊपर अंजलि जा रही है, वो स्कूटी लेके जा रही है, उसके पीछे पीछे मैं कार लेके जा रहा हूँ। तो बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हम अपनी स्कूटी देके आ चुके हैं। स्कूटी देके आए हैं, इतनी दूर देने आए हैं ना, क्या बताओ। करण ने सर्विस सेंटर जो इतना गलत चुना हुआ है ना, सिर्फ धुलवाने के लिए हम आई थिंक कितने किलोमीटर आए करण, 11 किलोमीटर आए, और वो बंदा खुद देके बोल रहा है आपने स्कूटी तो चलाई नहीं है। मैंने बोला अभी पड़े पड़े सर्विसिंग तो करवानी पड़ेगी, तो धुलवाने, सिर्फ धुलवाने के लिए हम इतनी दूर स्कूटी लेने आए, मतलब क्या बोलूं मैं, दर्द है। अभी कोविड की वजह से वो लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि पिकअप एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, मतलब अगर हमें ड्रॉप करवानी स्कूटी हमारे घर पे सर्विसिंग के बाद, तो वो भी नहीं हो सकता, तो वापस हमें लेने भी आवानी आनी पड़ेगी। और लेने मतलब वो स्कूटी इतने किलोमीटर चलाते हैं तो ऐसा लगता है डेस्टिनेशन आ ही नहीं रही है पहला तो, और मेरे तो हाथ, मेरा करण मेरा हाथ ही सुन हो गया, राइट साइड वाला वो एक्सेलेटर दे के, मैंने बोला यार कब पहुंचेंगे। ये अलग अलग दर्द है स्कूटी देने का, मैं बोल रही हूँ इतनी दूर धुलवाने के लिए दे रहे हैं। कहना चाहेंगे कुछ आप, हम क्या करेंगे, हमारा क्या प्रोग्राम है आगे का? तो अभी हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि हमने दो चीजें सोची थी, या तो गाठिया खा सकते या फिर इडली, इडली हमने बहुत खा ली, तो इस बार वी आर गोइंग फॉर गाठिया, इतने टाइम से गाठिया नहीं खाया, और गुजराती है तो फिर ऑब्वियसली बात है गाठिया खाना बनता है, सैटरडे गाठिया तो हम चले गाठिया खाने। अब अंजलि ट्राई करिए कार चलाने के लिए, थोड़ी सी हिम्मत आ गई अंजलि में, ट्राई नहीं करी, मुझे कार चलानी आती है। हाँ, पर अभी तो तू मुझे पूछ रही थी एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच तो एबीसी एबीसी याद करना पड़ता है ना ऐसे। ये तो याद कर रही है अभी, अब चलाएगी तू? पहले गियर में गाड़ी और हम चले डायरेक्ट सर्गासन पहुंचे और हम निकलते हुए आगे दर्द। तो अंजलि जी ने सही सलामत हमें सरगासन तक पहुंचा दिया है, कैसा रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बट करण पैनिक करवाता है मेरे को। अरे वो पुलिस वाला बोल रहा था कि भाई जाने दो, खाली जगह है, फिर जा नहीं रही थी तो क्या हुआ? मैं मतलब ये मुझसे इतनी बार गाड़ी चलाता है, मुझे इतनी कम आती, मतलब मैं इतनी कम लेती हूँ, तो मैं डांटना नहीं चाहिए ना देखो मेरे को। हाँ, पर वो पुलिस मतलब वाला बोल रहा है, अगर वो पुलिस वाला रोक लेता तो क्या होता? मैं बोलती इसने जबरदस्ती मुझसे गाड़ी चलवाई है, ये मेरे को किडनैप करके लेके जा रहा है गाड़ी चलवा के। इसके पास लर्निंग लाइसेंस है सिर्फ, और तो कोई है नहीं, तो फिर पुलिस पकड़ लेती तो प्रॉब्लम हो जाती ना। ये बताने की पूरे ब्लॉग में जरूरत थी, पूरे नीचे कमेंट आएंगे लर्निंग ले लो, तो इस बहाने कमेंट तो आएंगे। और हम खुद दवाई बेचना स्टार्ट कर रहे हैं, और ये दवाई हमारे पास 6-8 हो गई है, तो अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करें। तो यहाँ पे एम्बुलेंस की उसकी फैसिलिटी भी है, ऐसे ओपन में हम लोग बैठे हैं और
अंजलि का जो वैक्सीनेशन किया था सेकंड टाइम, जो सेकंड डोज था, वहाँ पे तो एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी नहीं थी, बट इट्स गुड यहाँ पे एम्बुलेंस है। तीन लोग की फैसिलिटी थी सिर्फ। हाँ, वहाँ पे तीन लोग बैठे थे पर एम्बुलेंस नहीं थी, एटलीस्ट यहाँ पे एम्बुलेंस तो है। यहाँ पे भी 30 मिनट के लिए बैठने को बोला नहीं, हमने पूछा कि बैठ जाए तो बोलते हाँ ठीक है बैठ जाओ, क्योंकि दो तीन लोग हम जब आए तब बैठे हुए थे तो इतना तो कोई इतना सीरियसली लेता नहीं है। बट जब फर्स्ट डोज लगाने गए थे अंजलि को, वो काफ़ी अच्छी जगह थी, वहाँ पे हमको डॉक्टर ने बोला था कि बैठो, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं। मेडिकल वाला बंदा था जो सबको बता रहा था क्या क्या करना है। हाँ, पैनिक नहीं होना है और क्या होगा तो कहाँ पे नंबर पे कॉल करना है, वो सब इन्फॉर्मेशन दे रहा था। स्कूल था अच्छा। हाँ, स्कूल था। हाँ, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बंदा है ही नहीं। नहीं, लेकिन बैठना जरूर चाहिए वैक्सीनेशन के बाद, मतलब पता चलता है ना क्या बॉडी में हो रहा है, तो आप एटलीस्ट कुछ इमरजेंसी तक लेके जा सकते हो। हाँ, सही बात है, एटलीस्ट 30 मिनट्स वहाँ पे बैठ के आप देख लो। 15-20 मिनट से इनफ, बट बैठना चाहिए। तो 20 मिनट हो गई बैठे हम थे, अभी निकल रहे हैं यहाँ से, और साइड इफेक्ट तो अभी तो कुछ लग नहीं रही, जहाँ पे इंजेक्शन दिया था वहाँ पे भी पेन नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पूरे दिन कुछ ना हो, अगर हो रहा है तो दवाई अपने पास ले लेंगे। One hour later. करन, कुछ दर्द हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तू बोलता हाथ थोड़ा हैवी लग रहा था, बट हैवी लग रहा है, पेन नहीं हो रहा है, तो अभी तो सो फार सो गुड। क्यों कुछ नहीं हो रहा है? तो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं? मुझे तो लगा था बुखार होगा। तो पूरा दिन तो जाने दे, हमारे पास दो दवाई पड़ी है। मुझे तो लगा था मैं तेरे को पीटूंगी। मुझे क्यों? अगर मुझे बुखार होगा तो तुझे ही सेवा करनी पड़ेगी ना मेरी। नहीं, क्योंकि तूने इस बंदे ने मुझे, मेरे को जब इंजेक्शन लगा था ना, पूरे टाइम इसने मेरी जान बुझ के बाहों पे मारा है, ये वाली बाहों पे बाहों पे मारा है, लेफ्ट वाली, ये जान बुझ के बोलता था ओ मैं तो भूल गया। तो सही है ना, मैं तो भूल गया था तुझे वैक्सीन लगी है। मैं इस बंदे को, एटलीस्ट उसको अगर बुखार नहीं हुआ तो मैं इसको चार बार मारूंगी जरूर लेफ्ट हैंड पे, मैंने पहले सोचा। अगर मुझे बुखार हुआ तो ये व्लॉग डालेगा कौन? सोचा तूने कभी? तुझे तो एडिटिंग आती नहीं है, तो मुझे अगर कल बुखार हो गया तो फिर मुझे खाना बनाना आता है जो तेरे को मिलेगा नहीं फिर। तो हर बार एक ही एक्सक्यूज देती है, वो नहीं चलता, सबको पता है, तो एक ही एक्सक्यूज देती है, फिर खुद को भूख लगती है, खुद बना लेती है, फिर मुझे मिल जाता है एट द एंड खाना, कोई शब्द नहीं है ना, नहीं है ना। ठीक है, व्लॉग बंद कर दो, चलेगा। अंजलि, तूने तो कोवैक्सीन ली और कोवैक्सीन में तो इंटरनेशनल ट्रिप अलाउड ही नहीं है, तो तू क्या करेगी अब? मैंने कोविशील्ड लिया, कोविशील्ड में तो अलाउड है। यार, नेशनल ट्रिप सो नहीं रही हमसे, इंटरनेशनल करनी है तेरे को। भाई तू ऐसे वो अंडरटेकर की तरह क्यों सो रही है? बाल लंबे करके अंडरटेकर की तरह क्यों गिरी है तू? क्या हो गया अभी? कल का दुख अभी गया नहीं? नहीं यार, हमारे एक तो ट्रिप भी कैंसिल हो गया, मैं बड़ा दुख में हुआ। क्यों, क्या हो गया? हम जाना जा रहे थे ना ट्रिप। अरे हम अभी ट्रिप पे जा रहे हैं ना, स्कूटी लेने। मुझे नहीं जाना स्कूटी लेने ट्रिप पे। स्कूटी लेने जाना तो पड़े, उसने धोके रखी है वहाँ। अब इतने हम जैसे बेवकूफ तो ने कहते 11 किलोमीटर हम स्कूटी लेने जाएंगे, बताओ करन यार। उसने धोके रखी है वहाँ पे स्कूटी हमारे लिए, मैंने तुझे बोला था तूने धोई नहीं। एक काम करें, नेक्स्ट टाइम 200 रुपए तो मुझे दे दे, मैं ही धो दूंगी स्कूटी तेरी। 200 मेरी स्कूटी है वो। 200 रुपए तो बहुत महंगे है, थोड़ा 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 व्याज भी करिए, थोड़ा व्याज भी। 30 रुपए रखते हैं, 30 रुपए में स्कूटी धो देगी। पानी तो मैं दे रहा हूँ तुझे तो सिर्फ धोना ही है। बाय द वे अंजलि, मैं तुझे एक बात बताना भूल गया। क्या? तो स्कूटी कर रही थी ना, वो मेरे नाम पे, तेरे नाम पे नहीं है, ठीक है? देख लेना कागजात अपने पीछे। पता है उसमें भी क्या हुआ? एक्चुअली ना मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो एक्चुअली स्कूटी मेरे नाम पे नहीं, तेरे पास थी। सो मैं बताता हूँ, उसके पास लाइसेंस नहीं था, उसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी नहीं थी, उसके नाम पे रेंट अग्रीमेंट नहीं था, उसके नाम पे कुछ नहीं था, सिर्फ उसके नाम पे मैं ही था। तो स्कूटी मेरे नाम पे आ गई, स्कूटी मेरे नाम पे, कार मेरे नाम पे, रेंट अग्रीमेंट में, घर भी मेरे नाम पे है। तो अगर ज्यादा तूने बकवास की तो बेदखल हो जाएगी, पता चल गया तुझे, ठीक है? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है खाना जो दिख रहा है तेरे को यहाँ पर, एक कौड़ी नहीं मिलेगी इसकी। पर वो समझ गई ना, तीनों चीजें मेरे नाम पे है, तो ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं तेरे। ये पापा ने किया था, पापा ने करवाया तेरे नाम पे, मेरे पापा ने दिए मेरे को स्कूटी वो। तेरे पापा ने दी है स्कूटी तुझे, किसको पता नहीं चलेगा, पर नाम पे मेरा, ठीक है? ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, तीनों चीजों तो मालूम ही नहीं अभी। तो शाम के बज रहे हैं 5:30, ये बोलने की जरूरत थी। देख के भी झूठा टाइम कौन बता, ये दिख नहीं है। तो बज रहे हैं शाम के 5, फाइनली 5 बज रहे हैं। तो हम दोनों निकले हैं बाहर, स्कूटी लेनी थी हम लोगों को, बट बारिश एक्चुअली बहुत हो रही है, तो अपने क्या करेंगे, तब तक शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ अगर काम है तो वो देख लेंगे। तो बस कुछ नहीं, आओ जो। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद।
तो आशु और करण दोनों के दोनों कार्ड रीडर लेने गए हैं। मैंने बोला मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम दोनों चले जाओ, मैं कार में बैठ जाती हूँ। तो वेट कर रही हूँ कब आएंगे, आई डोंट नो कहाँ गए। मैंने बोला बस कार ऑन करके चले जाना, मैं आराम से बैठी हूँ, उसके बाद फिर हम शॉपिंग पे जाएंगे, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। बाय बाय। बज रहे हैं शाम के 5:30। हमारा सडनली प्लान चेंज हो गया फिर से, लगता है शॉपिंग नहीं हो पाएगी हमारी। तो जैसे बारिश रुक गई, हमने मौका नहीं छोड़ा, हम जा रहे हैं स्कूटी लेने। खैर मैं नहीं जा रही स्कूटी लेने, करण जा रहा है स्कूटी लेने। भीगने का प्लान मेरा नहीं है, करण भीग के आएगा और आशु और मैं मजेदार अपनी शॉपिंग कर लेंगे तब तक। तो आपको मिलते हैं शॉपिंग के बाद, आओ जो। A few moments later. तो अभी अंजलि और आशु ने मुझे छोड़ दिया यहाँ पे, मैं रास्ते में हूँ, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी मैं स्कूटी लेके घर जा रहा हूँ और वो लोग गए हैं मुझे डिच करके शॉपिंग करने के लिए कार लेके। अंजलि बोल रही है कि मैं इतना तैयार होकर आई हूँ तो मैं नहीं जाऊँगी स्कूटी लेने, तो तू चला जा और आशु और मैं कार लेके चले जाएंगे, शॉपिंग करके आते तो मैं घर पे मिल। और इतनी ज़्यादा बारिश में यहाँ पे मैं अभी वैक्सीन लेके आया हूँ आज, और यहाँ पे मैं अभी स्कूटी लेके घर जा रहा हूँ इतनी बारिश में। अगर आज रात को मैं बीमार हुआ ना तो अंजलि ये तेरे पे सब। सो फाइनली गाइस पहुंच गए हम लोग घर, बज रहे हैं अभी 9:30। अभी जो मैंने वैक्सीन ली थी उसका कोई साइड इफेक्ट अभी मुझे दिख नहीं रहा है, ना ही यहाँ पे पेन है। थोड़ा सा है जो इंजेक्शन देते हैं उसका जो पेन होता है वही है, इसके अलावा हेडेक नहीं है, फीवर नहीं है और कोई भी वीकनेस या कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी देखते हैं रात को हो या फिर कल सुबह हो, कुछ पता नहीं, ना भी हो। सो गाइस अभी जो आज के जो जितने काम थे वो सारे हो चुके हैं, बहुत थक गए, बहुत टायर्ड है, तो जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर यहाँ तक आपने व्लॉग देखा है देन लाइक करें, बगैर नहीं जाना है, लाइक द वीडियो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाए उसके सबसे पहले आपको अपडेट मिले। और हम मिलते हैं आपको कल के वीडियो में। बाय बाय।